गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम वेलकम टू आर फेस मॉर्निंग ईच एंड ऑफ यू वेलकम तो आप लोग कैसे हो जी बताइए कैसे हो यस वी आर बैक इन आवर सेशन हम लौट के आए हमारे सेशन पे और हमारे साथ साथ आज कौन कौन हो जी कमेंट करके बताइए आई एम वेटिंग फॉर यू एवरी डे आई वेट फॉर यू स्टूडेंट्स तो oh, यस yes, पराग वेरी गुड मॉर्निंग भाग्यश्री वेरी गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन हो क्योंकि आज भी एक बेहतरीन सेशन पे हम लोग एक साथ टाइम बिताएंगे और ये जो एक घंटा है यही आपको एक अलग एनर्जी देने वाले है आज पूरा दिन के लिए मेरे प्यारे दोस्तों पढ़ाई कैसे चल रहा है प्लीज कमेंट करके बताइएगा हाल कैसा है बताइएगा सिचुएशन कैसा है ठंडी का मौसम है आलसीपन थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन ठंडी के मौसम पे ही आग भी जलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों संध्या के वेरी गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू यस, संध्या भाग्यश्री परा क्यूपी पला देर बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन हो एक बार तैयार हो जाते हैं टीम के साथ फिर हम शुरू करेंगे आज का जर्नी जी हाँ द शो मास्ट गो ऑन सीरीज ऑन दैट डिस्कसिंग the questions from UGC NET examination, CSIR NET examination, GATE examination, or SET examination. From all these examination, if you look closely, the mathematical aptitude portion, many portions are common, right? Now, अभी तक जो तीन सेश सीरीज में तीन लेक्चर्स हुआ है वो लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा में कुछ चीजों के लेकर हम बातचीत कर चुके हैं ना आज भी कुछ चीज के लेकर बात करेंगे और ये भी बेहद हेल्पफुल है ये भी आपके एग्जाम में बहुत आते हैं नीलम यादव जी वेरी गुड मॉर्निंग वेलकम जुट चुके हैं हमारे सारे स्टूडेंट कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन आ चुके हो कल शाम को एक लेक्चर प्रीमियर करवाया था खैर लेक्चर कल सुबह के लेक्चर के बाद ही मैंने आकांक्षा का वो जो सवाल था यानी कि आर्थ के ऊपर दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस वाला क्वेश्चन वो मैंने सॉल्व कर दिया था क्या आपने चेक किया आप देखिएगा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने अपलोड किया बस पांच मिनट का वीडियो है राइट वेरी गुड मॉर्निंग एवरी चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट ऑफ़ मेरे प्यारे दोस्तों आई बिलीव इट इज विजिबल यस देखिए द ग्रेट 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 इंस्पिरेशन फॉर ऑल रतन टाटा जी राइट श्री रतन टाटा जी आप देख सकते हो उन्होंने क्या कहा कि विकल्प बि, मिलेंगे बहुत विकल्प बि, मिलेंगे बहुत मार्ग भटक भटकने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकने के लिए संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा विकल्प मिलेंगे बहुत ठीक है विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकने के लिए मंजिल एक ही काफी है राइट संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए ईशा चौधरी वेरी गुड मॉर्निंग आकांक्षा राठी ललिता पावर हर्षल नलांदे हाउ आर यू पीपल वेलकम बैक इन आवर लाइफ सेशन सुबह का नौ बज चुके हैं आपका भी दिन का शुरुआत हो चुका है और फुल एनर्जी के साथ इस सेशन के साथ आपका दिन का शुरुआत हो चुके है मेरे प्यारे दोस्तों सो <coughs> so इस मंतव्य का क्या मीनिंग है देखिए आप एक ऐसा सिचुएशन पे हो लाइफ में आपके मन में बहुत सारी चीजें आएगा स्पेशली आज के दुनिया में देखो आज से दस साल पहले आंखों के सामने उतना इंफॉर्मेशन नहीं था आज जितने इंफॉर्मेशन है तो योर ब्रेन इज गेटिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एवरी डे तो आपको भटकने का चांस आपको बहुत ज्यादा है जब भी आप कोई मंजिल के लिए कोई भी एक चीज कर रहे हो बार 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 कर रहे हो, यू नो फॉर्म बिलीव कि मैं ये ही करूंगा एक संकल्प ही काफी है मेरे प्यारे दोस्तों कोई भी छोटा कोई भी बड़ा संकल्प नहीं होता है एक चीज जो हम सोचते हैं ये पोजीशन बड़ा है ये पोजीशन छोटा है मैटर डज मैटर कि आप कैसे कर रहे हो उस पोजीशन में का ओके आई डू रिमेंबर आई लेट मी टेल यू आर स्टोरी दैट तो अभी देखिए ये जो है तो आप देख सकते हो तो दिस इज द थिंग आपको पता होगा बहुत सारे गांव है बहुत सारे गांव में बहुत सारे स्कूल टीचर्स होते हैं छोटे छोटे डॉक्टर्स होते हैं बट अगर उस गांव में जाओगे कभी कभार देखिएगा कोई कोई गांव है ग्राउ है उसी का नाम से नामांकित किया गया है इतना रिस्पेक्ट इतना कुछ मिला उनको जिंदगी में क्योंकि तो उसका काम उन्होंने अच्छे से निभाया इट तो तो डजेंट मैटर कि आप क्या कर रहे हो इट तो डज मैटर आप कैसे कर रहे हो प्लीज और प्लीज एक ही संकल्प रखिए और उसके ऊपर बेहतरीन तरीके से ऐसे काम करिए कि आपको सब पहचाने राइट मेरे प्यारे दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये ध्यान पे रखिएगा ये मोमेंट जो है आपकी जिंदगी का ये बहुत ही एक ऐसा दिन है जिसपे आपको भटकने का चांस ज्यादा होता है राइट ईशा राज चौधरी डाउट का वीडियो अभी देख आए वाव मेथड सर ओके ओके थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच शिवाजी चौहान वेरी गुड मॉर्निंग जी वेलकम एवरी वन वेलकम एवरी वन दिस इज आवर टीम दिस इज माई टीम मेरे प्यारे दोस्तों मैं हमेशा आता हूँ बट मेरा टीम को भी आप पहचानते हो तो टीम को लेकर ही मैं आता हूँ दिस इज आवर टीम आपको पता है सारे टीचर्स आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं उनके एनर्जी के साथ उनके शिद्दत से साथ आपको आपका जो पर्पस है उसके तरफ लेकर जा रहे हैं राइट right? तो देखिए ट्वेल्व सेप्टेम्बर गेट का बैच होगा देखिए अभी तक जो है वेबसाइट अपडेट नहीं हुआ है आई बिलीव आज हो जाएगा हमनेल भी रेडी है बट आई हैव टू शेयर इट स्टिल द वेबसाइट इज नॉट अपडेटेड बट वंस द वेबसाइट इज अपडेटेड आई शेयर द वेयर दमनेल यू तो आपका जो भी दोस्त या आप अगर गेट का बैच में एनरोल करना चाहते हो तो गेट का बैच अभी आ रहा है शीर नेट का बैच कब आएगा मैं बता दूंगा बट मुझे तो पता है सेकेंड जनवरी आएगा ठीक है सेकेंड जनवरी नेक्स्ट बैच आएगा ऑन द न्यू ईयर ऑफ ट्वेंटी मेरे प्यारे दोस्तों तो एनी वे आई एम गोइंग टू टेल यू एवरी थिंग बिकॉज एवरी डे इन द मॉर्निंग नाइन एम आई एम कमिंग अगर मैं लीव में नहीं हूँ तो मैं आऊँगा राइट चलिए आकांक्षा राठी यू आर मोस्ट वेलकम सर क्लियर माई क्वेश्चन थैंक यू सो मच बहुत अच्छा क्वेश्चन था आकांक्षा थैंक यू इन फैक्ट आई गॉट ए ब्यूटिफुल क्वेश्चन टू सॉल्व राइट मुझे भी सीख मिला चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है तो देखिए आई बुक कार्निवल फिर से आपको बताना पड़ेगा यार कि बुक तो जो है आई के पास लॉट्स ऑफ बुक्स है तो इफ यू वांट एनी बुक यू कैन एक्सेस इट नाउ नाउ दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी लेट्स मूव देखिए आज क्या करेंगे हम आज क्या करेंगे क्या सोचकर आया हूं मैं आपके लिए तो मैं धीरे धीरे उसी के तरफ जाएंगे हम लोग बट सबसे पहले मैं एक सवाल से शुरुआत करना चाहता हूँ सवाल क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर वन आपके लिए क्वेश्चन नंबर वन आपके लिए यही सवाल नेट में पूछा गया था यही सवाल नेट में पूछा गया था इन्हें हॉस्टल देयर आर ट्वेंटी बॉयस On a summer vacation, on a summer vacation, on a summer vacation, everyone went to home. Everyone went to if they will if they will write a letter to each other if they will write a letter to each other how many letters how many letters were written on that vacation <clears throat>

बीस लड़का है और एक दूसरे को एक एक चिट्ठी लिखने वाले है कितने चिट्ठी लिखने वाले हैं आज के डेट में मेल लिखने वाले हैं मान लीजिए बीस स्टूडेंट है एवरीबडी इज गोइंग टू सेंड अ मेल टू इच अदर राइट और आप कह सकते हो टेलीफोन राइट right? एक दूसरे को एक एक बार टेलीफोन करने वाले है सारे सिचुएशन सेम है तो इन सारे सिचुएशन में आपको पूछा गया है कि कितने लेटर्स लिखने वाले हैं ठीक है यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आकांक्षा शा, प्रंजलि शांध्या हर्षल चार स्टूडेंट ने बताया चलो यार देखते हैं नीलम यादव वेरी गुड तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं बात क्या है देखो सवाल को तो हम जल्दी निपटाएंगे जरूर लेकिन पहले देख लेते हैं ऐसा सवाल किसके ऊपर आधारित है ये जो सवाल बनाया गया है किस कंसेप्ट के ऊपर किस थियरी के ऊपर ये सवाल आधारित है मेरे प्यारे दोस्तों देखिए आप क्या कर रहे हो बेसिक वर्शन में आप काउंट कर रहे हो काउंट काउंट मतलब अब देखिए काउंटिंग इज ए इंटरेस्टिंग प्रोसेस बिकॉज मंकीज कैन नॉट काउंट सिंपैनजीस डू हैव अ लिटिल बिट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी बट नॉट ऑल सिंपेंजीस राइट सो न्यूमेरिकल एबिलिटी और काउंटिंग एबिलिटी इज समथिंग विच इज विच वी हैव अर्न आफ्टर लॉन्ग इयर्स ऑफ एवोल्यूशन

थिंग कॉम्बिनेटोरिक्स कॉम्बिनेटोरिक्स कैसा सब्जेक्ट है जी कुछ ऐसा सब्जेक्ट है देखो आप एज ए ह्यूमन बींग सबसे पहले सीखा एक दो तीन चार पाँच छः काउंट करना ये सुन yes, लो हाँ no? या ना बताइए ये काउंट करना आपने सीखा था लेकिन देखिए काउंटिंग क्या यही है सिर्फ ना अगर मैं आपको कहूँ एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार अगर मैं कहूं कि एक स्कूल है और वहां पे प्रेयर लाइन पे ऐसे चार चार स्टूडेंट तीनों रो पे खड़े हैं कितने स्टूडेंट हैं? जल्दी बताइए ओके okay, right. मुझे बताइए सारे स्टूडेंट यहाँ पे कितने स्टूडेंट है राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कितने स्टूडेंट है बताइए ट्वेल्व स्टूडेंट है रंजलि नाउ थिंक आपने काउंट कैसे किया आपने काउंट एक दो तीन चार करके नहीं किया आप इतना मॉडिफाइड हो चुके हो एज ए ह्यूमन बींगीप्लाइड बाई थ्री अब घर पे भी कोई बच्चों को पूछोगे वो लोग बता देगा चार गुना तीन बारह तो ये एक दूसरा टाइप का काउंटिंग है आया ना तो ये चैप्टर जो है इसको हम मैथ्स की भाषा में कहते हैं परमुटेशन कम्बिनेशन बट वो भारी नाम है उसको याद रखने का कोई जरूरत नहीं है बस बेसिक है इस चैप्टर काउंटिंग के ऊपर चैप्टर तो देखो ये एक दूसरे तरीके का काउंटिंग है ये भी एक तरीके का काउंटिंग है सिमिलरली यहां पे अगर देखोगे ये भी काउंटिंग ही है कि कितना लेटर्स लिखने वाले हैं काउंट करना पड़ेगा अब देखो बहुत ध्यान से देखिएगा तो ये चैप्टर डिपेंड करता है जो थियरम के ऊपर का नाम है फंडामेंटल फंडामेंटल थियरम ऑफ काउंटिंग फंडामेंटल थियोरम ऑफ काउंटिंग काउंटिंग का फंडामेंटल थियोरम क्या है बहुत इजी है मैं इस पेज में ही सारी चीज समझा दूंगा फिर गेट बैक टू द आइडिया। ठीक है तो देखिए फंडामेंटल थियोरम ऑफ काउंटिंग कहते हैं फंडामेंटल थियरम ऑफ काउंटिंग कहते हैं मान लो ये स्टेशन ए है ये स्टेशन बी है और ये स्टेशन सी है और स्टेशन ए से बी तक जाने के लिए आपके पास तीन रास्ता है और बी से सी तक जाने के लिए आपके पास दो रास्ता है मान लीजिए इसका नाम एच वन एच टू एच थ्री नाम से सी वन या डी वन डी टू दे डी वन बताइए कितने रोड्स है ए से सी तक जाने के लिए जल्दी बताइए कितने रोड्स है ए से सी तक जाने के लिए फास्ट एंड टेल में कितने रोड्स है ए से सी तक जाने के लिए मेरे दोस्त बताइए कमेंट करिए और बताइए कितने रोड्स है ए एंड सी ए से सी तक जाने के लिए छह रोड है वेरी वेरी गुड तो आपने कैसे किया सर यहाँ पे तीन रास्ता है एच वन डी वन एच वन डी टू एच टू डी वन एच टू डी टू एस थ्री डी वन एस थ्री डी टू बार बार इतना लिखना क्या है परेशानी है तो क्या करो सर यहाँ पे तीन रास्ता है और यहाँ पे दो है दोनों में मल्टीप्लाई करना ठीक है अब मान लीजिए यहाँ पे शिवाजी चौहान आए थे शिवाजी के बारे में बात करते हैं अब मान लीजिए शिवाजी जॉब करने जा रहा है पहला जॉब पहला जॉब करने जा रहा है और उसके लिए उन्होंने क्या किया दोनों फॉर्मल शर्ट्स खरीदा दोनों फॉर्मल शर्ट्स खरीदा और तीनों फॉर्मल पैंट खरीदा मुझे बताइए कितने पॉसिबल तरीके से वो ड्रेसअप कर सकता है अगर मैं कहूँ कि शिवाजी के पास दोनों शर्ट्स है फॉर्मल और तीन फॉर्मल पैंट्स है कितने डिफरेंट तरीके से शिवाजी जो है ड्रेसअप कर सकती है आप तो देखो एस वन पी वन एस वन पी टू एस वन पी थ्री एस टू पी वन तो बार बार काउंट हम नहीं करेंगे हर एक के लिए तीन तीन यानी दोनों के लिए दो गुना तीन यानी दोनों के लिए दो गुना तीन है होगा यानी मेरे प्यारे दोस्तों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग कहते हैं अगर दोनों इवेंट हो रहा है दोनों इवेंट मतलब जैसे यहाँ पे एक इवेंट है शर्ट और दूसरा इवेंट है पैंट यहाँ पे एक इवेंट है ए से बी जाने वाला रास्ते यहाँ पे एक इवेंट है बी से सी जाने वाला इस रास्ते अगर दोनों इवेंट है और एक दूसरे को फॉलो करता है फॉलो करने का अर्थ है अगर आप डी वन से जा रहे हो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो एच वन एच टू और एस ट्री किस जाए क्योंकि तो अगर एच वन डी वन जाते हो अलग है एच टू डी वन जाते हो अलग है तो इस रोड का चॉइस इसके ऊपर दोनों एक दूसरे के ऊपर फॉलो करेगा या डिपेंड करेगा मेरे प्यारे दोस्तों अगर ऐसे होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वोइ क्या होगा ये मल्टीप्लाई होगा पहला वाला इवेंट कितने तरीके से हो रहा है और दूसरा वाला इवेंट कितने तरीके से हो रहा है दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्लियर है आया ना प्लीज बताइए क्लियर है कि नहीं जल्दी बताइए आपको ये चीज मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा दोनों चीज को ठीक है दो इवेंट ये इतने तरीके से होता है और वो उतने तरीके से होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्लियर चलो रजोग वेरी गुड अगर क्लियर हो चुका है अभी इस क्वेश्चन के साथ क्या संबंध है देखो इस क्वेश्चन में बताया गया है स्टूडेंट क्या है बीस स्टूडेंट है बीस बच्चे है बीस बॉयज है और ये घर जाके चिट्ठी लिखने वाले अब देखो तो ऐसे सोचो आप कि दोनों पोजीशन है पोजीशन वन पोजीशन टू जो लोग फॉर्मूला के माध्यम से कर रहे हो वो अलग बात है फॉर्मूला डजेंट गिव यू द फीलिंग ये ऐसे करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों आप देखो पहले एक पोजीशन है दूसरा एक पोजीशन है क्यों क्योंकि सर पहला पोजीशन में वो स्टूडेंट है जो लेटर लिखने वाले हैं दूसरे स्टूडेंट को तो पहला पोजीशन में मान लीजिए लेट से ये बीस लड़कों में कोई एक लड़का है ए बाकी बीस लड़कों को तो चिट्ठी लिखने वाले हैं या ना बताइए ए बाकी बीस लड़कों को चिट्ठी लिखने वाले है हाँ या ना बताइए बाकी उन्नीस लड़कों को ए जो है बीस में से एक लड़का हो गया तो ए को अगर आप यहाँ पे चूज कर लेते हो तो बीस में से बाकी नाइनटीन लड़कों को वो चिट्ठी लिखने वाले हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे ए है और यहाँ पे बाकी नाइनटीन लड़का है तो मुझे बताइए ए ने बाकी नाइनटीन लड़कों को चिट्ठी लिखा सिमिलरली बी अगर यहाँ पे है उन्होंने भी बी को छोड़कर बाकी नाइनटीन को लिखने वाले हैं अगर यहाँ पे है सी भी उसको छोड़कर बाकी नाइनटीन को लिखने वाले हैं तो पहला पोजीशन के लिए कितने नंबर्स होंगे बताओ पहला पोजीशन के लिए कितने नंबर्स ऑफ पीपल होंगे जल्दी बताइए मेरे प्यारे दोस्त ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मैं अलग अलग सवाल करते जाऊंगा आपको करना पड़ेगा मुझे बताइए पहला पोजिशन के लिए कितना लड़का होना इंपॉर्टेंट है बीस फैंटेस्टी का पहला पोजीशन में बीस पॉसिबिलिटी है पहला इवेंट 20 तरीके से हो पा रहा है और सेकेंड इवेंट 19 तरीके से हो पा रहा है क्यों सर क्योंकि यहां पे अगर एक चूज करते हो आपके हाथों में बाकी नाइनटीन बॉयज रहते हैं तो बीस और उन्नीस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग कहते हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और 380 मिल जाएगा तो सर यही जवाब होगा क्या ध्यान से देखिए यहां पे अगर ए है तो यहां पे बी को ए ने चिट्ठी लिख और जब बी यहाँ पे आए हैं तो ए यहाँ पे आए हैं तो बी ने भी ए को चिट्ठी लिखा ए ने भी बी को चिट्ठी लिखी इसका मतलब क्वेश्चन में जो बताया वो हो रहा है हर कोई हर किसी को एक एक बार चिट्ठी लिखेगा ए ने बी को लिखा बी ने ए को लिखा कोई दिक्कत नहीं है आराम से आपको हो राइट नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन इस सवाल का जवाब होगा थ्री वेरी वेरी गुड जिन लोगों ने किया क्वेश्चन नंबर टू indian cricket team. indian cricket team. as 11 playing members. If each and every one of them will have handshakes with each other. जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस वेरी वेरी गुड फैंटास्टिक जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए देखिए गलती हो रहा है अभी भी गलती हो रहा है तो इसीलिए मैंने बताया कि चीजों को सीखना पड़ेगा आज सीख कर जाओगे आप लोग आज आप लोग सीख कर जाओगे ये मेरा वादा है हर्षल नलांदे फैंटेस्टिक क्या बात आपको तो बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है हैडशेक्स विद ईच अदर हाउ मेनी हैंडशेक्स देयर तो सबसे पहली बात आपको जो चीज देखना पड़ेगा कि यहाँ पे प्लेयर वन है प्लेयर टू है क्योंकि हमेशा हैंडशेक दोनों प्लेयर के बीच में हो तो ऑलवेज डॉ द डायग्राम मैं बार बार जोर देता हूँ इस भाषा में कि कोई भी मैथ प्रॉब्लम करने से पहले आपको डायग्राम ड्रॉ कर लेना चाहिए डायग्राम अगर आप ड्रॉ करते हो इसका मतलब कुछ क्वेश्चन का मीनिंग जो है वो बहुत ईजी तरीके से आपको समझ मेरे प्यारे दोस्तों अब मान लीजिए या फिर भीके है विराट कोहली विराट कोहली ने क्या कहा उन्होंने बाकी क्या करा बाकी दस लोगों के साथ हैंडशेक किया विराट कोहली के लिए दस पॉसिबिलिटी रोहित शर्मा अगर होता है दस पॉसिबिलिटी तो सेकेंड पोजिशन के लिए हमेशा हमेशा के लिए आपके पास दस लोग हाजिर है सेकेंड इवेंट इट इज ऑकरिंग इन टेन पॉसिबल वेज मेरे प्यारे दोस्तों सिमिलरली फॉर फर्स्ट इवेंट के बारे में क्या कहोगे आप यहाँ पे विराट कोहली आया है सिमिलरली आर एस यानी रोहित शर्मा आ सकता है कोई भी आ सकता है

मुश्किल है 110 नहीं होगा आंसर 110 जो है उसको दो से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हैंडशेक दो बार रिपीट होगा मेरे प्यारे दोस्त यानी 55 इसको बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्मूला के माध्यम से पढ़ते हैं -1 2 कोई मतलब नहीं आपको फील करना है मैं बार बार कहता हूं आप ह्यूमन बींग्स आपको अनुभव रखना है तब जाके आप सवाल सही करके आओगे ठीक है सबको समझ में आया जी सारे स्टूडेंट ललिता बताइए क्लियर हुआ तो फिफ्टी फाइव होगा क्योंकि जो है ये आपका हैंडशेक जो है ये आपका वन साइडेड ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ करते हैं इट्स नॉट ए वन साइडेड थिंग इट्स ए बोथ साइडेड थिंग इट्स ए बोथ साइडेड थिंग और लास्ट वन आप देख सकते हो कि अगर लेटर राइटिंग लिख रहे हो तो इसने लिखा एक और उसने लिखा और एक मेरे प्यारे दोस्तों क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया बताइए वेरी वेरी गुड समझ में आ गया तो अगर हैंडशेक्स होता है तो कंसेप्ट सेम वो भी होता है तो कंसेप्ट राइट अभी देखिए नीलाम यादव कह रहे है, हैं हैंडशेक वाले में ऑलवेज से डिवाइड करेंगे जी दो से डिवाइड करना पड़ेगा आप देखो समझने समझने की कोशिश करो अगर सवाल में मैंने ऐसे पूछा कि एक दूसरे के साथ दो दो बार हैंडशेक करेगा तो दो से डिवाइड नहीं करोगे डिपेंड्स मैं ऐसा क्वेश्चन सेटर हो ही सकता हूँ जो आपके अनुभव अनुभव के साथ खिलवाड़ कर सकता हो अब आप अगर रट के आए हो अगर आप चीजों को बस याद करके आए हो तो मैं क्वेश्चन सेटर ऐसा बन ही सकता हूँ जो कभी भी आपको गलती करवा सकता हो क्यों अगर मैं सवाल करूं द पीपल हु आर हैविंग हैंडशेक्स ईच अदर ट्वाइस हाउ मेनी हैंडशेक्स विल बी देयर दैट इज द थिंग राइट वेरी गुड इस सवाल को करिए जल्दी जल्दी और बताइए जवाब क्या है इस सवाल को करिए जल्दी जल्दी और बताइए जवाब क्या है मेरे प्यारे दोस्तों भाग्यश्री पाटिल वेरी वेरी गुड फैंटेस्टिक इन आईपीएल देयर आर टेन टीम्स इफ दे आर गोइंग टू प्ले अ होम मैच एंड एन अवे मैच विथ ईच अदर हाउ मेनी मैचेस गलतियां हो रहा है भाग्यश्री पटी आकांक्षा राठी ललिता पावर फिर भी गलतियां हो रहा है आप लोगों से क्योंकि तो एक बात समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों एक होम मैच होगा एक एवे मैच होगा मुझे लग रहा है आप लोग क्रिकेट वगैरह नहीं देखते हो एक होम मैच और एक एवे मैच होगा मतलब एक दो मैच होने वाला है हर टीम के बीच में हर टीम के बीच में दो मैच होने वाले हैं हर टीम के बीच में दो मैच होने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों समझ कर क्या करो हर टीम के बीच में दो मैच होने वाले हैं मैच कब होता है दोनों टीम के बीच में तो टीम वन और टीम टू वेरी गुड अभी ठीक है आप लोगों को तो टीम वन और टीम टू टीम तो वन और टीम टू टीम तो वन होने का चांसेस कितना है दस टीम टू नौ नाइन गुना टेन नाइनटी में कौन कौन आएगा यहाँ पे अगर आप देखोगे ए बी के साथ खेल रहा है तो बी भी ए के साथ खेलने वाले हैं प्यारे दोस्तों एक कम्बिनेशन एक पर्टिकुलर पेयर के बीच में दो मैचेस होने वाले हैं और ऐसे जब सिचुएशन आएगा तब आप क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे बस डिवाइड नहीं करोगे क्लियर है लेकिन अगर मैं सवाल करूं दट इन आईपीएल There are दे आर गोइंग टू प्ले नॉक आउट गेम्स इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है इफ दे आर गोइंग टू प्ले नॉक आउट गेम्स हाउ मैनीस विल बी देर नॉक आउट मतलब बस एक मैच होने वाले में जो जीतेगा वो रहेगा जो हार जाएगा बाहर हाउ मैनी मैच विल बी देयर हर कोई के बीच में एक मैच होगा हाउ मैनी मैच देखो नॉकआउट गेम्स का नॉर्मल मीनिंग होता है एक मैच हो जाएगा दिन बाहर चला जाएगा बट यहां पे आपको समझना है एक मैच हो रहा है हर टीम के साथ एक-एक मैच होगा हर टीम का हर टीम के साथ एक एक मैच होगा इन दैट सेंस राइट तो हाउ मेनी मैचेस विल बी देयर द ऑप्शन आर 90, 45, 55, बताइए जी वेरी गुड सही हो रहा है सही कर रहे हो वेरी वेरी गुड देखिए नॉकआउट गेम्स का एक्चुअल मीनिंग कुछ अलग होता है कि एक गेम खेलेगा बाहर चला जाएगा बट यहाँ पे डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि गोइंग टू प्ले नॉकआउट गेम्स विथ ईच अदर दैट मीन्स एक एक गेम खेलने वाले हैं हर कोई हर कोई के साथ वेरी गुड अभी आप ट्रैक पे आ चुके हो आपको समझ आ चुके हैं कि दस गुना नॉ करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई टू करना पड़ेगा बिकॉज रिपीट इज नॉट अलाउड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड राइट right? मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आ गया चलो बहुत खूब ये जो सब्जेक्ट मैटर है ये आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव विल स्टार्ट फ्रॉम ए डिफरेंट 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 सेटअप डिफरेंट कंसेप्ट वो कंसेप्ट क्या है देखिए एक बहुत इजी चीज है क्या अगर एक एक सर्कुलर टेबल है और यहां पे आठ लोग बैठे

इन हाउ मेनी वेस दे कैन सीट मेरे दोस्तों इन हाउ मेनी वेस दे कैन सीट ये आपको बताना है इन हाउ मेनी वेस दे कैन सीट ये आपको बताना है थोड़ा सोचकर बताइए ये सर्कुलर ट्रैक है ये सर्कुलर ट्रैक है मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन बदल चुका है दिस इज ए कंप्लीटली डिफरेंट सेटअप इसमें अगर आपको जवाब देना है आपको सोच करना है थोड़ा सोचना है फिफ्टी सिक्स इतना जल्दी नहीं आएगा थोड़ा सोचिए क्या होगा कितने तरीके से वो बैठ सकता है तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये जो है अब देखिए अगर आप टू और वन को भी बदल देते हो तो अरेंजमेंट अलग हो जाते हैं समझ तो में आ रहा है ऐसे टोटल कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं इजी भी नहीं है सोचो हर्षल नरांदी सिंह फोर फोर्टी एट क्या कर रहे हो आप फोर फोर्टी एट से आया थोड़ा क्लू दीजिए हम लोग को हर्षल थोड़ा क्लू दीजिए हम लोग को कहा लेकर आए हो आप इज कॉल्ड सर्कुलर परमुटेशन क्वेश्चन ऑन सर्कुलर परमुटेशन मान लीजिए टेबिल ना बताकर मैं अगर कहूं बेंच अगर मैं टेबिल ना बताकर अगर कहूं बेंच यहाँ पे बेंच है या फिर एक ब्रांच ऑफ द ट्री है और यहाँ पे बर्ड्स है ठीक है पे कौन है बर्ड्स? सात ठीक है तो मैं अगर सवाल ऐसा करूं पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर मैं अगर सर्कुलर न बनाकर लीनियर बनाऊँ तो मैं अगर क्वेश्चन करूं कि यहाँ पे बर्ड्स बैठे हुए हैं और आपको सवाल में पूछा गया है कि, कि बर्ड्स कितने तरीके से बैठ सकते हैं ये बर्ड्स जो है कितने तरीके से बस बैठ सकता है तो देखिए जो लोग मुझसे पारमोटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हो आपको पता है इस चैनल के ऊपर वीडियो है तो प्लीज़ आज जाके पारमोटेशन और कॉम्बिनेशन का वीडियो देखिएगा टोटल कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर सी एस आई नेट के लिए पढ़ाया था मैराथन uh, नाम का एक सीरीज है शायद होगा आप देखिएगा प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा पारमोटेशन एंड कम्बिनेशन सर्च करोगे तब भी मिल जाएगा प्ले लिस्ट में तो मेरे दोस्तों पारमोटेशन एंड कम्बिनेशन जो लोग मुझसे पढ़ चुके हो उसको पता है आठ पोजिशन है यू हैव एट प्लेसेस एंड एट में वॉट शुड बी द आंसर जल्दी बताइए बहुत ईजी है ये तो बता दीजिए एट वर्ड्स है है और वो बर्ड्स कहाँ पे बैठने वाले हैं ये आठ पोजिशन पे क्वेश्चन में पूछा गया है कितने तरीके से ये ये बैठ सकता है अब ये मत बताओ सर एक बार इस दिशा में देखकर बैठेगा एक बार दूसरा दिशा में देखकर बैठेगा वो नहीं कह रहा हूं आई एम टॉकिंग अबाउट द अरेंजमेंट पता है कि नहीं है एट फैक्टोरियल वेरी गुड गुडिंग अरे यार एट पी एट देखो मैं बार बार परमुटेशन के क्लास में पढ़ाया हूँ एट पी एट पी को मैं परमुटेशन कहता नहीं हूं मैं कहता हूं प्लेसमेंट प्लेसमेंट कहता हूं आपको आठ ऑब्जेक्ट को आठ प्लेसेस में प्लेस करना है आपको आठ ऑब्जेक्ट को आठ प्लेसेस में प्लेस करना है इसका साइंस क्या है सिंपल बात है सर आठ पोजीशन है एक दो तीन चार पाँच सात आठ पहला पोजीशन में कितने लोग हैं पहला पोजीशन के लिए कितने मेंबर्स आठ में से आठ में से कोई भी आठ आ सकता है तो पहला पोजीशन के लिए आठ मेंबर्स है जब भी पहला पोजीशन में आठ मेंबर्स में, में कुछ को, कोई आ जाएगा उसका मतलब सेकेंड पोजिशन में कितने लोग आ सकता है सात मेंबर आ सकता है सर क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है बार्ड एक यूनिक है तो बार्ट अगर यहाँ पे एक आ चुके हैं सेकंड पोजीशन में वो बार्ट नहीं आ सकता सिमिलरली थर्ड पोजीशन के लिए दो तो चला गया छह रहेगा उसके बाद पांच उसके बाद चार उसके बाद तीन उसके बाद दो उसके बाद एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग कहते हैं इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी कि इसका जो टोटल फाइनल जवाब होगा दैट शुड बी एट फैक्टोरियल जो फाइनल जवाब होगा मेरे प्यारे दोस्तों That should be eight factorial. Eight factorial बस एक सिंबल है और कुछ नहीं बस एक संकेत है इस चीज को छोटे तरीके से लिखने के लिए एक्चुअल मीनिंग ये है और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जिसका बेस है उसी चीज को हम नाम दे चुके हैं पारमोटेशन एट पी एट या फिर अरेंजमेंट या फिर प्लेसमेंट मेरे प्यारे दोस्तों पारमोटेशन कुछ खास चीज़ नहीं है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग यूज करके क्वेश्चंस का जवाब का नाम है पारमोटेशन मेरे प्यारे दोस्तों तो 8p8 यानी 8 ऑब्जेक्ट को 8 प्लेसेस में प्लेस किया गया है ये तो लीनियर ट्रैक था इसीलिए आपने ऐसे सोचा इसके लिए क्या करोगे इसमें क्या दिक्कत आएगा इसमें भी ऐसे सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो बताओ पर आई डोंट वांट आंसर आई वांट योर कांसेप्ट इसके लिए 8 फैक्टोरियल होगा लेकिन अगर इसको सर्कुलर बना देता हूं तो और सर्कुलर बना के यही बाट इसके ऊपर बैठ चुके हैं तो मान लीजिए एक सर्कुलर रिंग है एक वाटर आपको पता है फ्लोरेंस like उसके बीच में से वाटर है, हुए हैं तो कितने तरीके से ये बार्ड्स बैठ सकते हैं कितने तरीके से ये बार्ड्स बैठ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कितने तरीके से ये बार्ड्स बैठ सकते हैं जल्दी काउंटिंग बाद फिर से कुछ नॉर्मल सवाल दूंगा आपको एंड सेशन एंड हो जाएगा विद इन फ्यू मिनट्स मिनट्स बट क्या कह रहे हैं एट एट, ना श्रेया गर्ल्स एट एट नहीं आकांक्षा राठी सिंह एट फैक्टोरियल एट फैक्टोरियल होगा सर रिंग के भी आकांक्षा ऐसा क्यों कह रही है आकांक्षा कह रही है सर एक पोजीशन दो पोजीशन तीन चार पांच छह सात आठ पोजीशन है पहला पोजीशन के लिए आठ मेंबर है दूसरे के लिए सात के लिए छः पाँच चार तीन दो एक आकांक्षा को लगा कि सर आना तो सेम ही चाहिए यानी एट फैक्टोरियल क्या आप सहमत हो क्या आकांक्षा सच कह रही है क्या आकांक्षा सच कह रही है आपको लगता है कि ये जवाब सेम आएगा मेरे प्यारे दोस्तों आकांक्षा बहुत ही करीब है लेकिन सच तो नहीं आकांक्षा बहुत ही करीब है जवाब का आज सीख कर जाओगे आप सच क्या है एट फैक्टोरियल उन्होंने क्यों कहा आपको समझ में आ गया नीलम यादव कह रहा है होगा 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 पॉइंट क्यू होगा ठीक है मेरे सेशन में आए हो तो आपको क्यों बताना पड़ेगा एट फैक्ट्रियल बाई टू फैक्ट्रियल बहुत करीब हो ईशा उतना डिफिकल्ट टू फैक्ट्रियल से क्यों डिवाइड करूँ फैक्टोरियल से नहीं डिवाइड करना है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग बहुत करीब हो बस और सोचिए थोड़ा देखो अगर आप ये वाला सिचुएशन देखते हो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट का arrangement है। तो आप के आपको अरेंजमेंट कैसे समझ में आता है किसके लेफ्ट में कौन है और किसके राइट right में कौन है और ये अगर अनचेंज रहेगा तो अरेंजमेंट भी सेम है आप इसको एक डिस्क के तरह सोचो इसको एक स्टेप घुमा दो राइट के तरफ एक स्टेप राइट की तरफ घुमा दो एक स्टेप अगर राइट की तरफ घुमाओगे वन दो के जगह पे दो तीन के जगह पे तीन चार के चार पाँच पांच के सात सात आठ आठ वन यानी अरेंजमेंट सेम रहेगा लेकिन बस एक स्टेप घूम चुके ऐसा इस डिस्क को आप आठ बार घुमा सकते हो और एक बार घुमाओगे तो वन तीन, तीन के जगह और एक बार घुमाओगे तो वन चार के जगह और एक बार घुमाओगे तो वन तो पाँच के जगह ऐसे आप इस डिस्क को आठ बार घुमा सकते हो ये आठ ही बार ये आटे ही आठ ही बार ये अरेंजमेंट बिल्कुल सेम रहेगा ये आठ ही बार ये अरेंजमेंट बिल्कुल सेम रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों इसका मतलब आठ बार सेम अरेंजमेंट रिपीट होगा तो ये जो एट फैक्ट्रियल आए है उसको आठ से डिवाइड करना पड़ेगा जैसा लेटर में दो से डिवाइड करना पड़ रहा था क्योंकि ए बी बी आ गया था वहाँ पे सेम अरेंजमेंट यहां पे आठ बार आएगा को से डिवाइड करोगे जवाब आ जाएगा क्योंकि देखिए सात इंटू छ इंटू पांच इंटू चार इंटू तीन इंटू दो नहीं लगा बताइए समझ में आया कि नहीं आया बताइए रेडी हो जाइए बेहतरीन कुछ सवाल करने के लिए आज काउंटिंग के ऊपर इतना ही काउंटिंग के ऊपर जो बताना था अब मैं आर्बिटरली दो तीन सवाल दूंगा सिर्फ आपके लिए और देखूंगा पढ़ाई घर पे कैसे चल रहा है सवाल ववाल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो ये मुझे देखना है ठीक है क्यू आई क्यू समझ आया कि नहीं आया बताइए समझ आया कि नहीं आया जल्दी बताइए बहुत इजी सवाल से शुरू करिए आर्टिकल कांजलि रहे हैं सर बहुत अच्छे से समझ आया थैंक यू सो मच यू आर मोस्ट वेलकम नीलम समझ में आ गया सर थैंक यू सो मच समझ आया सरषादे वेरी गुड मैं बस चाहता हूँ आप लोग सीखते जाओ कोई भी सेशन अटेम्प्ट करो वो आपके लिए फ्रूटफुल हो जाए ये मैं ट्राई करता हूँ अगर आप पांच मिनट के लिए भी आते हो कुछ सीख के जाते हो यही एड ऑन है राइट और क्या हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों बताइए इस सवाल का जवाब क्या है इफ़ आर्टिकल इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड For rupees ₹178 एट अ लॉस ऑफ 11% व्हाट वुड बी इट्स सेलिंग प्राइस टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 11% मेरे दोस्त इसको मैं सिखाऊंगा आपको मैजिक मेथड से मैजिक मेथड मतलब जो देखकर ही कर दोगे मतलब ऐसे सवाल को अगर आप ऐसे खड़े होकर बता देते हो जब आप मतलब आप कुछ बेहतरीन सीख ठीक है ना मैथ को भी जीके के तरह करना है मतलब सवाल देखा आंसर मार्क किया ऐसे अगर कर सकते हो तो आप सीख चुके हो ठीक है वेरी वेरी गुड देखिए श्रेया सिंह ने देख कर ही कर दिया आकांक्षा राठी ने देख कर ही कर दिया ये ब्रिलियंस मुझे हर एक के अंदर चाहिए हर एक के अंदर चाहिए देखिए हर एक के अंदर चाहिए ये ब्रिलियंस वेरी वेरी गुड श्रेया सिंह आकांक्षा राठी वेरी गुड बताइए 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 क्या बात बताइए व्हाट शुड बी द करेंट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सिर्फ तीन स्टूडेंट ने कहा बाकी स्टूडेंट कहां पे हो यार सिर्फ तीन स्टूडेंट ने कहा बाकी स्टूडेंट जवाब बताइए फास्ट देखो सोच रहे हो आप तो सोच को कैसे इजी बना सकते हैं

एक दुकानदार सामान खरीद के लाते हैं कॉस्ट प्राइस पे और उसके ऊपर ही ही उसका उसका प्रॉफिट होता होता है है या फिर उसके ऊपर लॉस तो हमेशा याद रखिएगा कॉस्ट प्राइस यानी जिस पैसे से दुकानदार ने सामान खरीदा उसके ऊपर ही प्रॉफिट एंड लॉस होता है और वो भी परसेंटेज में बताया गया है वेरी गुड वो भी परसेंटेज में बताया गया है तो कॉस्ट प्राइस क्या पकड़ लू कि परसेंटेज निकालना ईजी हो जाए

अगर 11 परसेंट लॉस हो गया हाँ एट्टी नाइन वेरी वेरी गुड मेरे प्यारे दोस्तों सौ रुपए जिसका कॉस्ट प्राइस था उसी सामान को आपने एट्टी नाइन रुपीज में सेल किया Now, 89 जो आपके लैंग्वेज में है उनके लैंग्वेज में वही वन सेवेंटी एट है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्यारे दोस्तों ये बताया गया है सौ में से ग्यारह परसेंट लॉस करके आपने बेचा यानी आपने तो सौ पकड़ लिया था एक्चुअल कॉस्ट प्राइस तो आपको पता नहीं है तो आपके लैंग्वेज में जो सौ कॉस्ट प्राइस था वो ग्यारह परसेंट लॉस होने के बाद एट्टी नाइन रुपीस हो गया सेलिंग प्राइस और वही सेलिंग प्राइस उनके लैंग्वेज में, तो में जो वन सेवेंटी एट आपके लैंग्वेज में जो वन इनके लैंग्वेज में टू क्यों सर वन सेवन डिवाइडेड बाई एट्टी नाइन होता है दो यूनिटरी मेथड क्लास फोर वन सेवन एट डिवाइडेड बाई एट्टी नाइन होता है टू <coughs> बताया गया है वॉट वुड बीट सेलिंग प्राइस टू अर्न प्रॉफिट ऑफ इलेवन परसेंट मेरे प्यारे दोस्तों अगर सौ में ग्यारह प्रतिशत का प्रॉफिट होगा तो एक सौ ग्यारह का वैल्यू क्या है वो निकालना पड़ेगा जो आएगा दो सौ बाईस बेहतरीन तरीके से समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बताइए मेरे प्यारे दोस्तों एक का वैल्यू है आई होप आप देख नहीं पा रहे हो यहाँ पे एक का वैल्यू दो है मेरे प्यारे दोस्तों एक का वैल्यू दो है एक का वैल्यू दो है यानी सौ में मान लीजिए ग्यारह परसेंट प्रॉफिट हुआ है आपको निकालना है एक सौ ग्यारह का वैल्यू क्या होगा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जल्दी बताइए यस सर क्लियर तो अगर आप चीजों को इस एंगल से देख सकते हो कितना जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे आकांक्षा श्रेया क्या आपने ऐसे सॉल्व किया आकांक्षा श्रेया क्या आपने ऐसे सॉल्व किया या फिर एक पकड़ के कर रहे हो अभी तक एक को भूल जाइए एक के साथ हिसाब निकास जो हुआ है स्कूल लाइफ में हो चुका है अभी भूल जाइए अभी आपको जो करना पड़ेगा ये नया पन लाना पड़ेगा सवाल करने में स्मार्ट right? तरीके से करना है वेरी गुड चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है When an error, when an error, when an error of one percent made in length of made in the length of length and Of a rectangle, the percentage error in the area of rectangle, the percentage error, the percentage error.

Hmm. आकांक्षा राठी सिंह सर सेम मेथड आप जैसा क्या बात बहुत बढ़िया सेम मेथड आप जैसा सही तो टेल मी व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस तो टेल मी व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस टेल मी व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस when an error of one made in the length and breadth of a rectangle, the percentage error in the area of rectangle will be. the percentage error in the area of rectangle will be. Mm -hmm. फिर से आपको कोई क्या बताओ कोई चाला की ही करना पड़ेगा एक स्वाय पकड़ के बिल्कुल मत करिएगा कोई चाला की करिए आपको बताया गया है रेक्टेंगल देखिए हर्ष नारंदे सिंह वन नहीं हर साल ऐसे नहीं इतना जल्दी भी नहीं आ जाएगा थोड़ा और सोचना पड़ेगा <coughs> बस एक ही घंटा तो एक्सरसाइज कराता हूं मैं एक ही घंटे का जिम है आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा एक घंटा आके सुबह नौ से दस आपको जिम करना है इस जिम में ठीक है बट एंड तक फुल एनर्जी तक एनर्जी लेकर करना है वेरी गुड श्रेया सिंह इज सिंह टू यानी वन आर यू टॉकिंग अबाउट वन और टू अंजलि गुप्ता इज सिंह फोर अरे बहुत इजी है इट्स वेरी वेरी इजी ंगल में वन परसेंट का एर आया है राइट वन पर है, right? है. पूछा गया है कि रेक्टेंगल का एरिया में क्या एरर आएगा बहुत ही इजी है आकांक्षा राठी सिंह वेरी गुड चलो यार बहुत ही इजी है मैं बताता हूं आपको देखो सिंपल बात है सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल सोचना पड़ेगा ये लेंथ है ये ब्रेथ है दोनों में वन परसेंट देखो यार जो रेक्टेंगल है स्क्वायर भी तो एक रेक्टेंगल है तो हम पकड़ सकते हैं ये भी हंड्रेड है और ये भी हंड्रेड ये और नो बताओ हम रेक्टेंगल स्क्वायर दोनों ही क्षेत्र में पकड़ सकता है पकड़ सकते हैं कि दोनों का ही वैल्यू हंड्रेड हंड्रेड है यह सोनो बताइए जी हाँ दोनों का ही वैल्यू हंड्रेड हंड्रेड है एरिया क्या था यार पहले एरिया था हंड्रेड इंटू हंड्रेड यानी दस हजार हंड्रेड इंटू हंड्रेड यानी एरिया था दस हजार मेजरमेंट के टाइम पे एरिया में वन परसेंट का एरर आया है सौ तो में वन परसेंट एरर वन परसेंट एरर मतलब एक का एयर हंड्रेड प्लस वन हंड्रेड वन भी हो सकता है हंड्रेड माइनस वन नाइनटी नाइन भी बस दोनों में ही सेम प्रक्रिया मतलब वन एरर होकर यहाँ पे नाइनटी नाइन हुआ है तो यहाँ पर भी नाइनटी नाइन होना चाहिए वहाँ पे एक सौ एक हुआ है तो यहाँ पर भी एक सौ एक मेरे प्यारे दोस्तों मान लेते हैं नाइनटी नाइन वाला केस हम लेते हैं एरर के बाद क्वेश्चन इज नाइंटी नाइन मल्टीप्लाइड बाई नाइन्टी नाइन क्या है जैसा मुझे वैदिक मैथ पता है इसीलिए मैं देख कर बता दूंगा इसका जवाब क्या चलो आज वेदिक मैथ भी सिखा इसका जवाब होगा लेकिन आपको तो पता नहीं है वेदिक मैथ। मुझे वेदिक मैथ पता है इसीलिए जल्दी से मैं देख कर ही बता दूंगा 9801 इस सवाल का जवाब है 99 तो ये निकालना पड़ता आपको 19 एट इंटू नाइनटी एट मैं झट से बता दूंगा नाइन सिक्स जीरो फोर किसी ने अगर मुझे पूछा एक सौ दो एक सौ दो क्या होगा एक जीरो फोर जीरो से चेक कर सकते हो जो मैं लिख रहा हूँ सही है या गलत तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या आपको ये स्किल आता है इतना जल्दी लिखने में लिखने के बाद क्या करूंगा देखिए बहुत इजी कुछ भी नहीं 99 नाइन इंटू नाइनटी हुआ तो एरिया क्या हो जाएगा एरिया हो गया 9801 देखो यार दोनों में अंतर क्या है एडर कितना आया है ये 10000 होना चाहिए था आया है नौ नौ हजार हुआ है कितने का एरर हुआ है 199 का इसमें एरर हुआ है 10000 में एक 10000 में 199 नाइन्टी मैं तो कहता हूँ ये सब लिखना छोड़ो यार यूनिटरी मेथड से करो दस हजार में हुआ है 199, दो जीरो कट करिए तो एक सौ में हुआ है करीग -करीग 2%. 2 क्यों? 100 में दो सौ में दो यानी टू परसेंट सौ में वन पॉइंट नाइन नाइन यानी टू परसेंट आप वैसे भी कर सकते हो वन नाइन डिवाइडेड बाई थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड सेम आएगा तो मैंने किया हंड्रेड में वन पॉइंट नाइन नाइन यानी करीब करीब दो प्रतिशत मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आया बस एरिया निकालना 99 99 98 98 ये कैसे जल्दी कर सकते हो ये चीज आपके अंदर होना हाउ टू सॉल्व इट फास्ट हाउ टू सॉल्व इट फास्ट ये आपके अंदर होना चाहिए तो क्या ये स्किल आप सीखना चाहते हो या फिर नहीं क्या ये स्किल सीखना चाहते हो या फिर नहीं मेरे प्यारे दोस्तों वैदिक मैथ में हम इसको कहते हैं बेस्ट मेथड वैदिक मैथ में वैसे थैंक यू तो हो चुका है ठीक है थोड़ा यहां पर ही बता देता हूं ठीक है अंजलि गुप्ता सिंह यस तो देखिए जल्दी से मैं बता देता हूं बहुत इजी है हम कहते हैं बेस में देखो दस तो एक हजार दस हजार ये जो नंबर्स है नंबर्स को हम कहते हैं बेस नंबर्स को हम कहते हैं बेस क्या कहते हैं बेस कहते हैं राइट हेलो एवरीवान प्रिया देखिए नंबर्स को हम क्या कहते हैं बेस कहते हैं आर्यभट्ट जी के बारे में आपको पता है ही ओनली डिन इन्वेंट द आइडिया ऑफ जीरो ये गलत है सिर्फ जीरो के आविष्कार के आर्यभट्ट जी नो no. आर्या भट्ट जी एंड उनका जो टीम था उन लोगों ने डेसिमल नंबर सिस्टम जैसे हम नंबर्स को लिखते हैं ना दस सौ एक हज़ार दस हज़ार इसमें डिवाइड करके जैसा तीन सौ छब्बीस सेकंड में लिखूँ थ्री ट्वेंटी सिक्स तो आपको बताया गया है बचपन में तीन गुना सौ दस दो गुना दस दस छह गुना एक से बनते हैं छह एक दो दस और तीन सौ से बनता है ये नंबर तो ये सिस्टम पूरा बनाया गया है इट्स ए इंडियन सिस्टम तो यू हैव इन्वेंटेड दिस आइडिया नाउ ये बेस मेथड भी इंडियन मेथड है दुनिया के पास ये मेथड नहीं था वैदिक मैथ का मेथड है क्या मेथड है अगर मैं आपको कहूं नाइनटी एट चलो मुझे बताइए 98 का करीब का बेस कौन है 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 98 का करीब का, का, का बेस कौन है जल्दी बताइए दस सौ तो एक हजार दस हजार इनमें से हंड्रेड वेरी गुड हर्षल 98 का करीब का बेस कौन है 100. तो यहाँ पे लिखिए बेस कॉन अब देखो 100 में कितने जीरोस होते हैं 100 में कितने जीरोस होता है मेरे दोस्त 100 में कितने जीरोस होते हैं 100 में कितने जीरोस होते हैं टू जीरोस होते हैं. तो यहाँ पे एक लाइन डालो और हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे टू डिजिट पुट करना है इससे बताओ बेस में कितना जीरो है बेस में दो जीरो है हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे टू प्लेस में हमको सोचना पड़ेगा टू डिजिट मेरे प्यारे दोस्तों आप बताओ नाइनटी एट हंड्रेड से कितना कम है नाइन्टी एट हंड्रेड से कितना कम है हर ने कहा दो यानी यहां पे आपको लिखना पड़ेगा माइनस जीरो टू देखो माइनस जीरो टू माइनस जीरो टू क्यों टू प्लेस लिखना पड़ रहा है इसीलिए क्योंकि हंड्रेड में दो जीरो है और टू माइनस क्यों लिखा क्योंकि नाइनटी एट सौ से दो कम है क्लियर है देखिए यहां पे अगर मैं लिखू माइनस जीरो टू अब क्रॉस करिएट माइनस टू नाइनटी ऐट माइनस टू किसी भी तरीके से करिए अपर एरो लोअर एरो किसी भी तरीके से करिए आपको आएगा नाइन्टी सिक्स उसको यहां पे पुट करिए नाइन्टी एट माइनस टू आएगा नाइन्टी सिक्स और इसको करिए मल्टीप्लाई इसको क्या करना है मल्टीप्लाई इसको करिए मल्टीप्लाई यानी आएगा 04 आंसर आएगा 9604 प्लीज चेक विद योर कैलकुलेटर आंसर आएगा 9604 प्लीज चेक विद योर कैलकुलेटर सी दिस ब्यूटीफुल इट्स अमेजिंग मेरे प्यारे दोस्तों फिर से समझा दूं आपको 98 98 करना है बेस को 100 पकड़ो क्योंकि ये करीब का है अब 100 के करीब 98 है कितना कम है -2 -0, -0 तो देखो यार अभी ये क्रॉस करो तो 98 2 19 2 96 इस पर लिखो और 02 02 04 इज दिशा पे लिखो राइट करेक्ट सर वेरी गुड तो अभी देखिए आप जल्दी-जल्दी पेन पेपर यूज ना करके बताइए तो 97 97 क्या है दीस आर मेंटल मेथड यानी देखकर ही जवाब बता पाओगे 97 97 पेन पेपर यूज ना करके बताइए जवाब क्या होगा 97 97 तो सर बहुत इजी है यहाँ पे तो -03 97 के करीब 100 है यहाँ पे 03, 97 03, 94. कोई भी कर सकते हो सेम आएगा जीरो थ्री मल्टीप्लाइड बाई जीरो आंसर आएगा नाइन फोर जीरो आकांक्षा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है जल्दी कमेंट करके बताइएगा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है जल्दी कमेंट करके बताइएगा और घर पे जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनको सिखाइए ठीक है अब बताइए मुझे 99 नाइन मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा 99 नाइन मल्टीप्लाइड बाई जल्दी बताइए जवाब क्या होगा 99 नाइन मल्टीप्लाइड बाई जल्दी बताइए जवाब क्या होगा <coughs> 99 multiplied by 99 fantastic that's the beauty harshal 9801 मुझे आप बताइए जल्दी जल्दी आपको मैं पूछूंगा बताइएगा 101 का स्क्वायर आंसर क्या होगा 101 का स्क्वायर आंसर क्या है फटाफट बताइए 101 का स्क्वायर आंसर क्या है फटाफट बताइए फटा फट जी आंसर क्या है फटाफट फड़ बताइए जी बहुत जल्दी Fantastic श्रेया सिंह मेरे प्यारे दोस्तों सेम बात है यहाँ पे एक सौ एक और एक सौ एक लिखो यहाँ पे प्लस जीरो वन लिखना पड़ेगा प्लस जीरो वन लिखना पड़ेगा बेस तो हंड्रेड ही है वन जीरो टू जीरो टू जीरो वन जल्दी से बताइए एक सौ दो का स्क्वायर फास्ट 102 का स्क्वायर फटाफट पड़ बताइए 102 का स्क्वायर कौन फास्ट होगा मैं देखना चाहता हूँ मेंटल कैलकुलेशन 102 का स्क्वायर कौन फास्ट होगा देखना चाहता हूँ मैं 102 का स्क्वायर 10 10 वन बताओ 10 जीरो बताइए जी 10 जीरो वट वन जीरो फोर जीरो फोर श्रेया सिंह सही कह रही है आकांक्षा वेरी गुड वन जीरो फोर जीरो फोर अरे यार इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई भूल क्यों जाते हो ऐड नहीं इसको मल्टीप्लाई करना इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना इसको करना गलती मत करना है? 103 square, जल्दी बताइए थ्री स्क्वायर फटाफट बताइए थ्री स्क्वायर वन जीरो थ्री स्क्वायर जल्दी बताइए वन जीरो थ्री स्क्वायर फटाफट बताइए वन जीरो थ्री स्क्वायर 10609 फैंटास्टिक फैंटेस्टिक हर्षाल 104 स्क्वायर 104 स्क्वायर नाइन वन जीरो वेरी गुड 104 स्क्वायर क्या होगा जल्दी बताइए 104 स्क्वायर क्या होगा जल्दी बताइए जी 104 स्क्वायर क्या होगा 10816, fantastic. कौन कहा सबसे पहले आकांक्षा ने वेरी गुड प्रंजली 10816 मजा आया कि नहीं आया सर इसका और भी रूप है रूप अनेक है इसके बारे में भी मैं और बात कर सकता हूँ आज के लिए बस स्क्वायर के बारे में बताया मैं बेस मेथड किसी भी बेस मेथड से आप कर सकते हो ठीक है लास्ट लिए कर लीजिए नाइन नाइन एट का स्क्वाइन नाइन एट मल्टीप्लाइड बाई नाइन नाइन एट जवाब क्या होगा बताइए जवाब जवाब क्या क्या होगा 9, 9, 9, 9, 8, क्या होगा पर ही लगेगा ये नहीं 97 भी होगा आप देखो चारों तीसा में होगा नाइन नाइन एट क्या होगा बताओ नाइन नाइन एट नाइन नाइन एट गलती मत करिए उसके करीब का बेस है थाउजेंड का बेस थाउजेंड है उसमें तीन जीरो है तो यहाँ पे तीन डिजिट होगा सोचिए तीन डिजिट होगा इंटू नाइन्टी सेवन भी होगा एट्टी नाइन इंटू एट्टी थ्री भी होगा कुछ भी होगा लेकिन तो तो उतना नहीं बताऊंगा आज तो उतना वक्त नाइनटी एट मुझे बताइए नाइन नाइन सिक्स जीरो जीरो फोर वेरी वेरी गुड

Okay, let's meet tomorrow again. Goodbye. Thank you. Thank you, G.